बैजनाथ अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, अस्पताल में धूल फांक रही अल्ट्रासाउंड के लिए रेडियोलॉजिस्ट न होना तथा स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर सरकार की क्या नीति रहेगी, इन विषयों पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार ने कहा कि वे इस मुद्दे पर SMO से जानकारी लेंगे और जो कुछ करना होगा वे विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। परमार ने कहा कि उन्होंने कुछ विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है जिसमें उन्होंने देखा है कि कांग्रेस सरकार ने केवल लुभावने वायदों के लिए ही अधूरित संरचना के बिना ही बिना बजट के ही घोषणाएं कर दी हैं, लेकिन डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती करने की कोई कोशिश नहीं की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि जितने भी अस्पताल हैं उनका सुदृढ़ीकरण किया जाए। इसके लिए 100 दिन में 100 MBBS डॉक्टर और 1200 पैरामेडिकल कर्मचारी अलग अलग ट्रेड के भर्ती किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 100 दिन में 100 डॉक्टरों की भर्ती करना जयराम ठाकुर सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी। घोषणाएं हो गई परंतु डॉक्टरों के पद पैरामेडिकल स्टाफ के पद सृजित करने की कोई बात नहीं कही गई। इसलिए हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि जितने अस्पताल हैं उनके सुदृढ़ीकरण का हम प्रयास करेंगे। इसलिए आने वाले दिनों में 100 दिनों में हम 100 MBBS डॉक्टर अपॉइंट करने वाले हैं। लगभग 1200 पैरामेडिकल कर्मचारी अलग अलग ट्रेड में भर्ती करने वाले हैं। ये प्रयास होगा के SMO से लूंगा और जो कुछ करना होगा वो विभाग प्राथमिकता के आधार पर करेगा। एक डेंटल सर्जन कब पड़े हैं उनको भरने की कोशिश होगी। मैंने कहा कि 100 दिन में 100 डॉक्टर भरे जाएंगे तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि जयराम ठाकुर जी की सरकार की है।